नमस्कार, स्वागत है आपका उल्लेख न्यूज में। मैं आपके साथ नौशीन अंसारी। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए देखते रहिए उल्लेख न्यूज। उत्तराखंड को यूं ही नहीं कहा जाता देवभूमि। जिस देवभूमि में चारों धाम विद्यमान है, वह हजारों की तादाद में कई देवी देवताओं के मंदिर व पर्यटक स्थल मौजूद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज एक ऐसी गुफा की, जिस गुफा का नाम बाबा टिम्बर शेड महादेव है। जो टिम्बर शेड महादेव हिंदुस्तान के अंतिम सरहद पर बसा नीति गांव के पास में विद्यमान है। आपको बता दें कि बाबा टिम्बर शेड महादेव तक जाने के लिए 1 किलोमीटर के आसपास खड़ी चढ़ाई पार करनी पड़ती है। जो टिम्बर शेड महादेव की गुफा जोशीमठ से 80 किलोमीटर के आसपास विद्यमान है। बता दें कि बाबा टिम्बर शेड महादेव को छोटा अमरनाथ के नाम से भी जाना जाता है। जिस गुफा के भीतर बाबा अमरनाथ की तरह शिवलिंग के दर्शन प्राप्त किए जा सकते हैं। यहाँ पर शीतकालीन के वक्त बाबा अमरनाथ की तरह शिवलिंग उभर आता है। और बड़ी बात तो ये है कि आजकल भी बर्फ के आकार में शिवलिंग के दर्शन प्राप्त किए जा सकते हैं इस गुफा के भीतर। आपको बता दें कि बाबा टिम्बर शेड महादेव की गुफा 12 महीने शिव भक्तों के लिए खुली रहती है और इस साल का पहला जत्था बाबा टिम्बर शेड महादेव में पहुँच चुका है। हालांकि कुछ दिन पहले भारी बर्फबारी होने के कारण यहाँ आवाजाही फिलहाल ठप हो गयी थी, लेकिन अब बर्फ को पूरी तरह से हटा दिया गया है, जिसको लेकर हर साल की भांति इस साल भी पहला जत्था बाबा टिम्बर शेड महादेव की गुफा में पहुंच चुका है। खास बात तो ये है कि इस गुफा से कुछ ही दूरी पर दूधी गंगा भी बहती हुई दिखाई दे सकती है, जिसे दूध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। काफी चमत्कारी और काफी रहस्यमय जगह मानी जाती है बाबा टिम्बर शेड महादेव को, जिसे छोटा अमरनाथ के नाम से भी जाना जाता है। सावन का महीना हो या शिवरात्रि का पवित्र महीना हो, यहाँ तो हर साल हजारों सैकड़ों की संख्या में शिव भक्त मौजूद रहते हैं। शायद ही पूरे विश्व में ऐसा अद्भुत चमत्कारी शिवलिंग कहीं और दुनिया में देखने को मिल सकता है, इसलिए तो यहाँ पर शिव भक्त जैसे तैसे करके पहुँचते हैं। आज हम यहाँ पर बाबा बर्फानी टिम्बर शेड महादेव के दर्शन के लिए मित्र मंडली के साथ पहुँचे हैं, क्योंकि विगत 4 वर्षों से हम लगातार जो हमारी मित्र मंडली 4-5 लोगों की हर वर्ष यहाँ पे बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आ रहे हैं। और मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में यहाँ पे आए, क्योंकि रोड और यहाँ पे जो दूर संचार की व्यवस्था है दुरुस्त हो चुकी है। और मैं आप सब लोगों को आज की इस पावन बेला पे हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज हम लोग सब मित्र मंडली बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए टिम्बर शेड महादेव के यहाँ पहुँचे हैं, जो कि विगत 3-4 सालों से लगातार हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं और बाबा बर्फानी का दर्शन कर रहे हैं। मेरे सभी भक्तजनों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग भी आए और बाबा बर्फानी का अद्भुत अलौकिक दृश्य देखकर यहाँ पे आप लोग कृतार्थ हो। हिंदुस्तान के अंतिम सरहद पर एक ऐसा गांव दिखाई देता है जो गांव हिंदुस्तान का अंतिम गांव कहा जाता है। बड़ी बात यह है कि उसी नीति घाटी से कुछ ही दूरी पर एक ऐसा गुफा विद्यमान है, जिस गुफा का नाम बाबा टिम्बर शेड महादेव है, जिसे छोटा अमरनाथ के नाम से भी जाना जाता है, जहां जाने के लिए 1 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पार करनी होती है। आपको बता दें कि यह गुफा 12 महीने शिव भक्तों के लिए खुला रहता है, जहां एक बार दर्शन प्राप्त करने से उसके जन्म जन्मों के पाप कट जाते हैं। बड़ी बात तो यह भी है कि उसी गुफा से कुछ ही दूरी पर एक ऐसी गंगा बहती हुई दिखाई देती है, जिस गंगा का नाम दूध गंगा है, जिसका रंग दूध की तरह दिखाई देता है। काफी रहस्य छुपा है बाबा टिम्बर शेड महादेव जी के गुफा के भीतर। आज भी वहां पर काफी संख्या में शिव भक्त नजर आ रहे हैं। कैमरामैन साथी आदित्य भंडारी के साथ नवीन सिंह चमोली।